हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनमोल कार्स। तो आज मैं बैठा हूँ ग्रैंड आइटन नियोस में एंड आज हम इसका स्टीयरिंग व्हील रैप करने वाले हैं। ये स्टीयरिंग व्हील का रैप मैंने मार्केट से ख़रीदा है, ये मुझे ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ का मिल गया था। अगर आप उन्हीं से स्टिच करवाएंगे तो वो आपको 1000 के अंदर अंदर ये पूरा स्टिच करके दे देंगे, बट अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख के अपने तरीके से इसे स्टिच कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सभी में स्टीयरिंग व्हील रैप्ड होता है, टॉप मॉडल में स्पेशली स्टीयरिंग व्हील रैप आता है, पर कुछ गाड़ियों में ये स्टीयरिंग व्हील रैप नहीं आता है तो उसे फिर हम बाद में करवा सकते हैं। इससे स्टीयरिंग व्हील की ग्रिप बढ़ जाती है, आप जब स्टीयरिंग व्हील को ग्रैब करते हैं तो आपको ग्रिप अच्छी मिलती है एंड स्टीयरिंग व्हील को मूव करने में आसानी होती है। तो आज हम इसका स्टीयरिंग व्हील रैप करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें किस प्रकार से हम इसे रैप करते हैं। तो पैकेट में आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, एक स्टीयरिंग व्हील का रैप एंड एक ये निडल मिलेगी, साथ में इसके हमें ये धागा मिलेगा, तो इसी से हम इसे स्टिच करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना स्टीयरिंग व्हील का रैप लेंगे एंड उसको हमें स्टीयरिंग व्हील के ऊपर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्टिचिंग वाला पार्ट है इसे हमें नीचे वाले पोर्शन पे रखना है, जहाँ पे हमारा ये एंड वाला जो एरिया है यहाँ पे एकदम सेंटर में रखना है, ताकि ये दिखने में ऑड ना लगे। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, तो आप स्टिचिंग को किसी भी साइड से या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टिचिंग शुरू करने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी पोर्शन को स्टिच करने वाले, सपोज़ मैं अब इस वाले पोर्शन को स्टिच करने वाला हूँ, तो इसकी लेंथ का ऑलमोस्ट मुझे डबल ले लेना है, ताकि बाद में मुझे जो थ्रेड है वो छोटा ना पड़े। उसके बाद अपनी लेंथ लेके हमें बस इस नीडल के अंदर इस थ्रेड को डालना है। डालने के बाद यहाँ पर हमें कोई भी नॉट नहीं लगानी है, हाँ, बट इसके एंड में जो दूसरा एंड है इसका, वहाँ पे हमें यहाँ पे एक नॉट सिक्योर करनी पड़ेगी। अब ये हमारा जो थ्रेड एंड नीडल है ये रेडी है स्टिचिंग करने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे टाइटली ऐसे पकड़ना है, उसके बाद जो एंड वाला जो लूप है ये वाला इसके अंदर इंसर्ट करना है एंड सेम उसके दूसरे साइड भी वही वाले जो उसकी लाइन में लूप है उसी में हमें इंसर्ट करना है। वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा कि मैं कहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, बट जब आप स्टिच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ हमें यहाँ तक लाके अब यहाँ पे भी एक नॉट बनानी है, ताकि जो ये साइड वाला एंड है वो अच्छे से टाइट हो जाए एंड बाद में वो प्रॉब्लम ना दे। यहाँ पे हमें टाइट नॉट लगानी है एंड उसके बाद हमें ये स्टिचिंग शुरू करनी है। एक लूप में यहाँ इंसर्ट करना है एंड दूसरा साइड में भी वही सेम लूप में इंसर्ट करना है एंड उसके बाद नीडल को यहाँ से निकालते हुए वापस यहीं से ले लेना है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पुल करेंगे, टाइट करेंगे एंड उसके बाद इस वाले थंब से हमें यहाँ पे इसे होल्ड करना है एंड फिर सेम पैटर्न वही फॉलो करना है, एक लूप से निकालते हुए दूसरे लूप में हमें डालते जाना है।
तो फ्रेंड्स आपने यही पैटर्न फॉलो करके पूरा स्टीयरिंग व्हील रैप कर लेना है। इसी तरीके से रैप करेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है एंड आप घर पर ही इसे कर सकते हैं। यही पैटर्न फॉलो कीजिए एंड पूरा स्टीयरिंग व्हील रैप कर लीजिए। अब ये मेरा एक पोर्शन रैप हो चुका है, मैं पूरा स्टीयरिंग व्हील रैप कर लेता हूँ। ये साइड भी मैंने आधा रैप किया हुआ था एंड बाकी का बचा हुआ है, तो मैं इसे पूरा रैप कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आ रही है। अब ये एंड तक पहुँच चुका है एंड अब यहाँ पर मैं एक नॉट लगा दूंगा ताकि ये एंड टाइट हो जाए। एंड पे आप अच्छे से दो तीन नॉट्स लगा दीजिए ताकि ये लूज़ ना हो एंड बाद में ना निकले। जितना टाइट इसे कर देंगे उतना ही लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रहेगा एंड लूज़ नहीं होगा। उसके बाद आपने इसे यहाँ से कट कर लेना है पूरा एंड पे ताकि ये दिखे ना एंड बस। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अच्छे से स्टिच हो चुका है। इसी तरीके से आपने बाकी के एंड्स भी स्टिच कर लेने हैं एंड उसके बाद ये आपका पूरा रैप हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा एंड में दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स ये है हमारे स्टीयरिंग व्हील की फाइनल लुक, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सिल चुका है एंड पूरा ये टाइट हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी फॉलो करके अपने घर पे ही अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील रैप कर सकते हैं। मैंने अपनी कार का भी खुद ही मैंने स्टीयरिंग व्हील रैप किया था एंड इस कार का भी मैंने खुद ही स्टीयरिंग व्हील रैप किया है। अगर आपको खुद ही काम करना अच्छा लगता है अपनी कार पे तो आप ये घर पे पूरा फॉलो करके आप इसे कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।